वर्तमान में वाल्मीकि कम्युनिटी कहाँ है इस समय? बिल्कुल धरातल में, जमीन के अंदर धसी हुई है, कोई काम नहीं, कोई भी सरकार नहीं। एक आने वाली जनरेशन के लिए सामाजिक और राजनीतिक सोच को आगे बढ़ाने का प्रोग्राम है। हम कहते हैं समाज से कि अच्छे काम करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, एजुकेशन सबसे अच्छी है हमारे लिए। तो जब समाज के पास आपके पास पैसा ही नहीं होगा, शिक्षा आज के देश में कितनी महंगी है, कहाँ से पढ़ा लेगा समाज? कैसे IAS बनाएगा, कैसे डॉक्टर बनाएगा, किस तरह से इंजीनियर बनाएगा? जो पेंशन बंद है उसका पुनः चालू होना चाहिए, जो ठेका प्रथा है उसको पूर्णतः बंद होना चाहिए, और इसके अलावा पृथक आरक्षण की मांग होनी चाहिए। हमें आज भी बाजार के अंदर वो सम्मान नहीं है। अगर कोई हम व्यापार छोटा सा लेकर के चलते हैं तो हमें हीन दृष्टि से हमारे व्यापार को बंद करा दिया जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। इस समय मैं सिविक सेंटर में मौजूद हूं। राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांति मोर्चा के तहत आज सिविक सेंटर में राष्ट्रीय वाल्मीकि स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यहां पर देखिए तमाम लोग आए हुए हैं और पूरे देश से यहां पर वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग आए हुए हैं। ये पूरा हॉल जो है खचाखच भरा हुआ है, लेकिन इस समय जो है काफ़ी लोग यहाँ पर लंच करने गए हुए हैं। तो यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं, बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिर अब वाल्मीकि कम्युनिटी किस ओर है। देखिए तमाम लोग हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग हैं। ऐसे में क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकुमार गहरा है। कहाँ से आए? मैं गाजियाबाद से। क्या लग रहा है आपके प्रोग्राम से, वाल्मीकि कम्युनिटी में कुछ होने वाला है? अच्छा नहीं, दरअसल एक जागरूकता प्रोग्राम है जो सदियों से जो लोग रहता है, जो ऐसे ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं माननीय मकवाना जी ने करा, तो ये एक आने वाली जनरेशन के लिए सामाजिक और राजनीतिक सोच को आगे बढ़ाने का प्रोग्राम है। और मैं चाहता हूँ कि आगे चल करके ऐसे ऐसे प्रोग्राम यदि होगा तो हमें राजनीतिक शैक्षिकता और सामाजिकता चेतना हमारे। कितना टाइम लगेगा? नहीं, टाइम तो कुछ नहीं लगेगा। दरअसल जो कुरीतियाँ शुरू में रही हैं जिनसे हम आज तक लड़ते आए हैं और अब जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं समझता चंद दिनों में कुछ सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा। और ये स्टेबल क्या करेगा जो समाज के जो वास्तविक बुद्धि, सामाजिक दृष्टि से देखें तो अभी बहुत पीछे है। ना तो आपका कोई जज है, ना IAS, ना APS। सर दरअसल सर सबसे दरअसल बात क्या है कि हम सब लोगों की जो एक मानवता सोच होनी चाहिए थी, जो समाज वैसे हिंदू समाज हम कहते हैं लेकिन हमें हिंदुओं ने आपका हमारा शोषण किया है, तो सबसे उसी लड़ाई तो मेन चीज़ है। हम हिंदू मान नहीं, मैं हिंदू मानता हूँ, मानने को चाहिए, लेकिन कहीं हद तक हम इससे घृणा भी कर। घृणा का कारण क्या है? क्योंकि इन सब लोगों से हमें एक एक व्यवस्था का अकॉर्डिंग हमसे अलग करा। सवाल चीज़ के एक आता कि हम तीन तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। नंबर एक तो अस्पृश्यता की, जो छुआछूत हमारे साथ चल रहे हैं, कर तो हिंदू रहे हाँ सर, और कोई मुसलमान थोड़ी कर रहा हमारे साथ कोई, फिर भी आप कर रहे हैं। नहीं, अब मामूली क्या करें, जहाँ धर्म का नाम का मामला हो तो हम कहाँ खड़ा करें अपना आपको, दिक्कत यहाँ पे आ जाती ना। अब बाबा साहब तो हम बन नहीं सकते, बाबा साहब ने जो कहा था वो एक अलग का पार्ट। बाबा साहब ने बुद्धिज्म भी अपनाया। हाँ बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ। देखे हम तो इज माई गॉड, मैं तो अपने भगवान बाबा साहब को मानता हूँ। नोट, लेकिन दिक्कत यह है कि जहाँ एक सामाजिक कुरीतियाँ सबको, मैं अकेला जा सकता हूँ लेकिन मैं 10 लोगों को और भी समझाऊँ ना, और वो इन्हीं के बीच में लेकर के जाता हूँ। होता क्या मैं बताऊँ, आज मैं बहुत ही धर्म अपना लूँ, कल को 10 लोग मुझसे अलग जाएंगे मेरे समाज के, तो मुझे रहकर इनमें समझाना है। सबसे मेन बात यह है वाल्मीकि युवा सड़कों पर नहीं दिखाई देता है, अभी नहीं निकलेंगे, पर जिस दिन निकलेंगे, आज़ादी के इतने साल हो गए, जागरूक होंगे फिर तो निकलना ही पड़ेगा ना उन्हें। हम तो जागरूक अभी तो बाहर है, आज हम तो समाज को साथ में लेके चलते हैं। हम कहते हैं समाज से कि अच्छे काम करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, एजुकेशन सबसे अच्छी है हमारे लिए। अरे एजुकेशन को हम फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात हमारा समाज आगे बढ़ेगा, आने वाले समय में हमारा समाज तरक्की। ये तमाम लोग हैं यहाँ पर और कुछ युवा साथी भी हैं। कहाँ से आए हैं? मैं जालौर से, जालौर राजस्थान। हाँ हाँ होती है नहीं वाल्मीकि। हाँ जी, हाँ परिवर्तन थोड़ा कुछ दिख रहा है अभी, शिक्षा की बहुत कमी है, शिक्षा न होने के कारण से अभी इसकी राष्ट्रीय क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से शिक्षा का शिक्षा आदि है, शिक्षा की वजह से सुधार आ रहा है कुछ थोड़ा। तो देखिए ये तमाम लोग हैं अलग अलग, कहीं बाबा साहब की फोटो नजर आ रही है। तो ये देखिए स्टेज का, इस समय आप दिखा दूं मैं आपको, ये स्टेज है और लगातार लोगों को सम्मानित किया जा रहा है।
ऐसे में कुछ लोग हैं उनसे जाने की कोशिश करेंगे। वाल्मीकि समाज के हक अधिकार लगातार छीने जा रहे हैं, जिम्मेवार कौन है? देखिए हमारा वाल्मीकि समाज के जितने भी हमारे जैसे वाल्मीकि समाज के हमारे जो है भगवत प्रसाद मकवाना जी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए और जितना पूरे भारत के अंदर जितना अच्छा कार्य वो कर रहे हैं समाज के लिए, मैं मानता हूँ कि उनसे अच्छा काम हो सकता है शायद कोई दूसरा नेता ना करे। हमारे जो नेता हैं भगवत प्रसाद मकवाना जी, हम उनके लिए चाहते हैं कि उनको जो है केंद्र में भी जगह मिले और राज्यसभा में भी उनको जो है जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके कुर्सी पे आने से कुछ ठीक होगा। उनके कुर्सी पे आने से क्या है, कई लोगों की हमारी जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। इससे पहले भी तो कई सारे नेता गए लेकिन समाज तो आज भी गर्त में पड़ा हुआ। आज भी उन्होंने जो है उत्तराखंड के लिए बहुत मेहनत की है और मेहनत के साथ साथ कई लोग तनख्वाह कराया बिल्कुल मिलती है, सारे कर्मचारी तनख्वाह टाइम मिलती है बिल्कुल मिलती है, हड़ताल बिल्कुल नहीं करनी पड़ती है। आप जी आज भी आप नगर निगम में वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि सबको सैलरी टाइम। तो ये नगर निगम कब छोड़ेगा वाल्मीकि कमेटी, तो नगर निगम का ही नेता बना हुआ है। देखिए नगर निगम के नेता तो है ही, नगर निगम के साथ साथ वो अन्य और भी समाज के लिए, भाई स्टेट है पूरा राज्य पूरे देश में फील्ड खाली है वाल्मीकि। नहीं 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 और भी नेता है हमारे, ऐसा नहीं है कि मकवाना जी भी है, सभी काम करते हैं लेकिन मकवाना जी बहुत अच्छा काम करते हैं। भाई आज के प्रोग्राम के बारे में जो मैं आशा लेकर आया था वो मुझे नहीं नजर आई, पूरे देश का वाल्मीकि था। अब मैं सबसे पहले धन्यवाद तो है मकवाना जी का, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे एक संस्था तैयार करके और वाल्मीकि समाज को एक स्टेज पर लेकर के आए। लेकिन आज जो तीन मांग इकट्ठी होनी चाहिए थी वो नहीं उठी मेरी निगाह में। ये मेरी मांग थी जो पेंशन है बंद है उसका पुनः चालू होना चाहिए, जो ठेका प्रथा है उसको पूर्णतः बंद होना चाहिए और इसके अलावा पृथक आरक्षण की मांग होनी चाहिए। जो मांग जिससे वाल्मीकि समाज को लाभ होता है, जिससे वाल्मीकि समाज का उत्थान हो, ऐसी बात तो ऐसा नहीं कि मेरी नहीं। आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे? अच्छा लगा सर प्रोग्राम अटेंड करके और हमारी समाज के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन महिलाएं उतनी नजर नहीं आ रही हैं। नहीं सर है महिलाएं भी बट किसी काम की वजह से नहीं आ पाई होगी, संडे था तो भी देखो कुछ भी काम हो सकता है। सर आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे? हेलो प्रोग्राम है वाल्मीकि एकता के लिए, उत्थान के लिए जो काम किया है लोगों ने, आगे भी करने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि संगठन मजबूत हो और इससे कि आगे जा करके समाज को एक नई दिशा मिले शिक्षा के क्षेत्र में। वर्तमान में वाल्मीकि कमेटी कहाँ है इस समय? बिल्कुल धरातल में, जमीन के अंदर धसी हुई है, कोई काम नहीं, कोई भी सरकार नहीं सुन। हम प्रदेश की, देश की और प्रदेश की सरकारों की जिम्मेदार मानते हैं। सरकारों को तो चलो ठीक है, सरकारों पे तो हमने ठेकरा, लेकिन सरकार भी तो अगले तभी कुछ करेगी ना जब सरकार के आगे आप कुछ करेंगे। नहीं ऐसा नहीं है कि समय समय पर संगठन ने बहुत बहुत मांग लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, ऐसा नहीं है कि धरने दिए प्रदर्शन किए हैं, समय समय पर मांग उठाते रहे लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं रहता कभी भी। जी भी हो या तो ये कि हम फिर एक क्रांतिकारी के रूप में कभी जैसे स्वतंत्र सेनानी के लिए जाने। आपका आईएएस नहीं है, आपके आईपीएस नहीं है, कॉलेज में प्रोफेसर हैं लेकिन बहुत कम है, डीएम नहीं है, एसडीएम नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, ये समाज कैसे तरक्की करेगा? समाज तो जब समाज के पास आपके पास पैसा ही नहीं होगा, शिक्षा आज के देश में कितनी महंगी है, कहाँ से पढ़ा लेगा समाज, कैसे आईएएस बनाएगा, कैसे डॉक्टर बनाएगा, किस तरह से इंजीनियर बनाएगा? भाई मेरे पास जब प्रॉपर आय का साधन होगा तभी तो मैं अपने बच्चों को एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में, एक अच्छे यूपीएससी की तैयारी के लिए, आईपीएस की तैयारी के लिए भेजूंगा किसी इंस्टीट्यूट में। पूरी टीम सम्मान करे। तो ये हम जब तक हमारे का आय का स्रोत हमें आज भी बाजार के अंदर वो सम्मान नहीं है, अगर कोई हम व्यापार छोटा सा लेकर के चलते तो हीन दृष्टि से हमारे व्यापार को बंद करा दिया जाता है। तो जब तक आर्थिक स्रोत हमारे नहीं बढ़ेंगे हम सम्मान करने के लिए पूरी टीम को साथ लेकर आ जाए। क्या लग रहा है अभी फिर वर्तमान में किस ओर है वाल्मीकि कमेटी और क्या होगा आने वाले वर्तमान? मुझे तो अभी भविष्य उज्जवल नजर आ नहीं रहा है क्योंकि हमें हो सकता है कि आने वाले कल में एक 47 जैसी जाने के लिए। जैसे अंग्रेजों के लिए 47 वाली लड़ाई लड़ी थी तो हमें यहाँ अपनों के लिए भी लड़ाई लड़नी। हम मानते हैं एक राष्ट्रीय लीडर की जरूरत है वाल्मीकि कमेटी को। हाँ बिल्कुल जरूरत है, जो कि हमारी लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर हमारी मांगे रख सके। जब तक कोई इस तरह से हमारे नुमाइंदा नहीं पहुंचेगी, जिन नुमाइंदों को भेजते हैं वो नींद में सोते हुए रहते थे, हंसराज जी पहुंचे हुए हमारे 543 लोगों में से एक व्यक्ति गया हुआ बोलता ही नहीं है वो, क्योंकि वो लोग
जो बाबा साहब का मिशन था, जो हमें एक व्यवस्था के तहत पे 134 लोगों को वहाँ पहुँचाया हुआ है, वो संविधान की कोई बात नहीं करता। के साथ जाकर हमारे आदरणीय वीपी महाराज बात करें, दया भाव से लोग बैठे हुए वहाँ पे, वो संघर्ष से नहीं बैठे हुए, वो उन पर संगठन की दया हो गई है इसलिए वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। वो पंकज झाला, वो संविधान की कोई बात नहीं करता। 134 लोग जो कोटे से जाते निकल गए, चाहे SC हो, SC हो या ST हो। संजय सेठ जी।